दोस्तों, आजकल आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि अब वाहनों में कुछ अलग तरह के नंबर प्लेट लगती हैं, जिसे हम लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इस नंबर प्लेट पर अलग तरह के कोड और मार्क होते हैं। नए वाहनों में RTO द्वारा आती हैं और पुराने वाहनों में भी इसको लगवाना अब अनिवार्य हो गया है। आप में से बहुतों ने यह नंबर प्लेट अपने वाहन पे लगवा भी लिया होगा और जिन्होंने नहीं लगवाया है वो भी जल्द से जल्द इसको लगवा लें। आपने यह ज़रूर सोचा होगा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है और किस तरह से काम करती और इसको लगवाना क्यों अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि HSRP का फुल फॉर्म क्या है, ये कब आया, HSRP क्यों लाया गया, इसके फायदे, ना लगवाने पर नुकसान अथवा जुर्माना, कैसे अप्लाई किया जाता है, असली और नकली HSRP की पहचान, वाहन में कलर कोड स्टिकर क्या होते हैं, टूट या खो जाने पर नई HSRP कहां से और कैसे बनवाएं। तो दोस्तों, मैं सूर्यांशु आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल आस्क हिंदी ज्ञान। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को HSRP कहते हैं, जिसका पूरा नाम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है। ये नई और पुरानी गाड़ियों सभी में लगवाना अनिवार्य है। HSRP को 1 मई 2012 में सरकार द्वारा लागू किया गया, उस समय यह लगवाना अनिवार्य नहीं, जो कि अब हो गया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बात करें तो यह व्हाइट कलर की एल्यूमिनियम से बनी एक रिफ्लेक्टिव प्लेट होती है, जो लाइट पड़ने पर चमकती है और 1 mm की इसकी मोटाई हो। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP में अशोक चक्र के क्रोमियम आधारित एक होलोग्राम स्टिकर शीर्ष बाएं कोने पर लगा हुआ होता है। यह होलोग्राम 20x20 mm का है और उसके नीचे नीले रंग से IND लिखा होता है। साथ में ही इसमें एक यूनिक कोड होता है, जो कि RTO द्वारा दिया जाता है। यह आपके RC नंबर से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि आपके वाहन के आगे और पीछे दोनों नंबर प्लेट में यह यूनिक कोड अलग अलग होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह नंबर प्लेट का नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। पहले के नंबर प्लेट पेंच या नट से टाइट होते, जिसको खोलना या बदलना बहुत ही आसान हो जाता था, जिससे वाहनों से होने वाले अपराध को अंजाम देना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता था। लोग नंबर प्लेट चेंज करके वाहनों से अपराध को अंजाम देते थे और बहुत से लोग अपने वाहन के नंबर प्लेट की फॉन्ट को अलग अलग ढंग से लिखवाते थे, जिससे वाहन की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता था। पर अब इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर एक तरह का पिन होता है, जो आपके वाहन से जुड़ेगा। यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से भी नहीं खुलेगा। और इस नंबर प्लेट में सभी वाहनों के नंबर प्लेट का फॉन्ट एक जैसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं HSRP के क्या फायदे। यह एक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। दुर्घटना की स्थिति में नंबर प्लेट पर होलोग्राम की मदद से वाहन के मालिक और वाहन के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। यह सब होलोग्राम और यूनिक कोड के माध्यम से संभव होता है, इसीलिए यह कोड प्रत्येक वाहन के लिए अलग अलग होता है। इस नंबर प्लेट पर एम्बॉस फिल्टर होता है, ताकि रात के समय में कैमरे द्वारा इसकी निगरानी की जा सके। पहले किसी अपराध को अंजाम देने के लिए अपराधी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देता था, लेकिन अब के मामले में नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर को बदलने की कोशिश कर पाना भी संभव नहीं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेजर डिटेक्टर कैमरे के लिए बनाया गया है, जो वाहन की तुरंत पहचान की अनुमति देता है। भारत में सभी वाहनों की जानकारी के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के डाटा को नेशनल डाटाबेस से जोड़ा गया है। इससे सेंट्रल रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होती है। अब इसको अगर आप ना लगवाएं तो आपको क्या नुकसान होगा। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को आपकी और आपके वाहन की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। इसको ना लगवाने पर आपको 5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसको ना लगवाने से आपके वाहन का इस्तेमाल किसी गलत काम में हो सकता है। पहचान, असली और डुप्लीकेट HSRP की पहचान कैसे करें। लोगों में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर ज्यादा जागरूकता नहीं है। जब से यह नंबर प्लेट को वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया है, तब से ही इसकी धांधलेबाजी होना शुरू हो गई थी। लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने के कारण उन्हें जहां से समझ आ रहा है वे वहीं से नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सर्विस सेंटर पर जाने के झंझट से बचना चाहते, कुछ लोग पैसों की वजह से भी डुप्लीकेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कार के रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके हैं
वो लोग भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से बचने के लिए फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं। अगर आपको नकली या डुप्लीकेट HSRP का पता करना है तो आपको बता दें कि वो नंबर प्लेट एल्यूमिनियम से नहीं बनी होती और उसमें होलोग्राम का सिर्फ स्टिकर लगा रहता है जो कि कुछ समय बाद निकल सकता है। डुप्लीकेट नंबर प्लेट पर वह यूनिक कोड भी अंकित नहीं रहता जो आपके RC से जुड़ा होता और इस नकली HSRP को आसानी से निकाला या तोड़ा जा सकता है। अगर आप इस डुप्लीकेट नंबर प्लेट के साथ पकड़े जाएं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। HSRP का रजिस्ट्रेशन कैसे करें? हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आप दो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के RTO ऑफिस जाना होगा। वहां पर आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसे आपको भरकर संबंधित अधिकारी को देना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रिसीविंग दी जाएगी जिसमें एक डेट लिखी होगी। आपको उस डेट में जाकर अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेना होगा। बड़े शहरों में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.bookmyhsrp.com। ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अब बात करते हैं कलर कोडेड स्टिकर क्या है। कलर कोडेड स्टिकर लगाने से मुख्य कारण यह है कि इससे दूर से वाहन का पता लग जाता है, या आपकी गाड़ी कौन सी है, जैसे CNG, पेट्रोल और डीजल आदि। डीजल कार है तो नारंगी स्टिकर होगा, अगर कोई पेट्रोल कार है तो एक नीला स्टिकर होगा और इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन है तो ग्रे रंग का स्टिकर होगा। इसके अलावा अगर गाड़ी CNG है तो उसका स्टिकर हल्का नीला होगा। इस कलर कोडेड स्टिकर में भी रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और कार का चेसिस नंबर होगा। यह स्टिकर आपके वाहन के अगले विंडशील्ड पर लगाया जाता है। टूट या खो जाने पर नई नंबर प्लेट कहां से और कैसे बनवाएं? अगर आपके वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टूट चुकी है या चोरी हो गई है तो पहले आपको नंबर प्लेट की FIR या ऑनलाइन FIR दर्ज करवानी होगी। FIR दर्ज करवाने के बाद ही आप नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। FIR करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आपकी नंबर प्लेट चोरी हो जाती है तो उस स्थिति में आपके नंबर प्लेट मिसयूज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में आपको पहले इसकी FIR दर्ज करवा लेनी चाहिए ताकि कुछ गलत होने पर आप जवाबदेह ना हो। आपको FIR दर्ज करवाने के बाद कंपनी के पास जाना होगा और कंपनी दूसरी नंबर प्लेट के लिए RTO को रिक्वेस्ट देगी। ये ऑफलाइन तरीका है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वही वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर जाकर रिप्लेसमेंट बुकिंग में क्लिक करके सारी डिटेल जैसे वाहन का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, FIR की कॉपी और कौन सा नंबर प्लेट डैमेज या खोया है, आगे का या पीछे का या दोनों, सारी जानकारी डालकर अप्लाई करना होगा। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते, हम उसकी वीडियो भी बना देंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो से कुछ जानने को जरूर मिला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो टाइप्स ऑफ नंबर प्लेट की होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने तरह के और कितने रंग के नंबर प्लेट आते हैं और किस नंबर प्लेट का क्या मतलब होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।